यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभी से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने एक बड़ी मांग कर दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। संजय निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसे और फायदा मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी। बताते चलें कि हाल ही में संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आप भी सुनिए संजय निषाद ने क्या कहा। 2019 में आए थे, हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वादा किया था। 40 सीटें हम मोदी जी के साथ खड़ा होकर आसानी से उन्हें जिताए थे। सपा बसपा एक हो गई, लेकिन हम खड़े हो गए, वो जीत गए। हमारा एक वोट बैंक है, झउआ भर वोट है। 160 सीटें निषाद बावल हैं, 70 हजार से ऊपर हैं। हमारी कोई मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको छला है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे, आपको जगह देंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनका अपने समाज का दर्द दूर करना, आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दिए, थोड़ा हमें भी समय दे दो। तो उनका लाजमी, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर 70 साल हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को समय दिया तो 2 साल तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी महामारी आ गई, अब समय आ गया, चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत नुकसान हो गया, हमारा समाज नाराज हुआ, कांग्रेस खत्म, सपा बसपा से दूरी बना लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल मैसेज गलत जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं जरूर करती है, लेकिन अब जा रहा कि महाराज जी जब थे मुख्यमंत्री नहीं थे तो ढेर सारे बोले थे कि आपका आरक्षण हम दूर करेंगे देंगे, और वायरल हो रहा वीडियो। तो 10% इन्होंने जो आरक्षण लिख लिया उसके बाद से आंदोलित है कि भाई मेरा लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं, हमारा नाम पिछड़ी जात में जबरदस्ती पिछड़ी सरकारों ने डाल दिया हमारी उपजातियों का। हम ऑलरेडी मझवार गांव तुरैया खरवार करोड़पुरी 7 नामों अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, राष्ट्रपति ने लिख के नोटिफिकेशन दे रखा उत्तर प्रदेश में गिनने के लिए देने के लिए, उसकी फाइल को शैलजा मुकुल वासनी ने गायब कर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस गायब हो गई, आरक्षण के मुद्दे पर बसपा ने हमें नहीं दिया, रोका, वो गायब हो गई, सपा गायब हो गई, भाजपा ने भी अभी आज के दिन में उसका जवाब नहीं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही कहा कि नड्डा साहब आप जब प्रभारी थे तो बात हुई थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हमारा समाज गदगद हो गया, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हो जाएगा, सार्थक वार्ता हुई दिल्ली और में साजिश उनसे कि नहीं आपके सारे मांगों को पूरा किया जाएगा 2022 में। मित्र हमने कहा भाई मैं तो अभी रहूंगा, कभी हूँ अंत तक रहूंगा मैं, आपको जब तक दरवाजे से आप हटा नहीं दोगे तब तक मैं रहूंगा, लेकिन मेरा समाज आप दूरी बना रहा, त्रिस्तरीय चुनाव बहुत नुकसान हो गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मेरे समाज के भारतीय जनता, लेकिन मेरा समाज आप दूरी बना रहा, त्रिस्तरीय चुनाव बहुत नुकसान हो गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं।